दोस्तों आप सभी को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, जिसमें हमने फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडर कमेंसमेंट और सेकंड में डेफिनेशन पढ़ी। थर्ड और फोर्थ में हमने एक्सेप्शन और एग्जम्पशन पढ़ा। फाइव और सिक्स में हमने रेस्ट्रिक्शन पढ़े और सेवन और एट में हम गाइडलाइंस और प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सेक्शन सेवन हम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड रेंट की गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हमने उसमें देखे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक बार कोई रेंट तय हो गया, क्या एक बार स्टैंडर्ड रेंट अगर किसी अकोमोडेशन का तय हो गया तो क्या वो चेंज नहीं होगा, क्या उसमें परिवर्तन नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो उसके लिए सेक्शन 8 फ्रेम किया गया है कि जब इंक्रीज कर रहा हो स्टैंडर्ड रेंट में तो कौन सी गाइडलाइन, कौन से प्रिंसिपल रहेंगे जिन्हें आरसीए अथॉरिटी को ध्यान में रखना होगा। आइए हम पढ़ते हैं सेक्शन 8, प्रिंसिपल्स फॉर इंक्रीजिंग रेंट, लॉफुल इंक्रीज की बात करता है ये। इसमें दो भागों में उन्होंने बांट दिया है कि बिफोर आफ्टर, बिफोर कमेंसमेंट विथ और विदाउट अप्रूवल ऑफ टेनेंट और आरसीए, मतलब कमेंसमेंट के पहले आपको किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, लेकिन आफ्टर कमेंसमेंट आप अगर आप कोई परिवर्तन, कोई चेंज करोगे जो हम आगे पढ़ेंगे, वो विद रिटन अप्रूवल ऑफ टेनेंट और आरसीए, या तो मकान मालिक को अपने किरायेदार की लिखित सहमति चाहिएगी या आरसीए अथॉरिटी की लिखित सहमति चाहिएगी अंडर सेक्शन 21 में, उसके बाद ही वो उसमें कुछ परिवर्तन कर पाएगा ताकि उन परिवर्तनों के आधार पर उसका रेंट इंक्रीज हो, उसका किराया बढ़ा जाए। अब जो बढ़ाने के एक्सपेंडिचर है उसमें उन्होंने दो भागों में उसको भी बांटा हुआ है, एक है अलाउड, एक है नॉट अलाउड। मतलब आप ये एक्सपेंडिचर करोगे तो आपको रेंट इंक्रीज करने का अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर इन किसी नेचर का है तो आपका रेंट इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं अलाउड, इंप्रूवमेंट, एडिशन, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। अगर आप इन तीन में से कोई काम करते हो तो आपका किराया बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी की अकोमोडेशन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ओरिजिनल कंडीशन में चेंज आ जाता है, इसलिए इस आधार पर आपका किराया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट नॉट अलाउड, डेकोरेशन, टेनेंटेबल रिपेयर्स नेसेसरी और यूजुअल, ये बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनके आधार पर आप किराया नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी में आता है लैंडलॉर्ड की कि आपको ये मूलभूत आवश्यकताएं थी कुछ जो अपने किरायेदार को आपको खुद को देना थी, इसके लिए इंक्रीज इन रेंट हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउड कॉस्ट हैज नॉट बीन टेकन इन अकाउंट। अच्छा, इसका किराया तो बढ़ेगा, उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप परमिशन ले लोगे या तो टेनेंट की या आरसीए की, और इंप्रूवमेंट, एडिशन, अल्टरेशन कुछ कराए, आपका किराया बढ़ेगा, लेकिन एक कंडीशन है, वो ये है कि सच अलाउड कॉस्ट हैज नॉट बीन टेकन इन अकाउंट। मतलब ये जो अलाउड कॉस्ट थी इसको आपने अकाउंट में नहीं लिया है। क्यों ऐसा बोला गया? टू अवॉइड रिपीटेशन, बार बार आप इसी आधार पर अपना किराया नहीं बढ़वा सकते। एक बार आपको मौका मिलेगा, एक बार आपको चांस मिलेगा कि आप इस ग्राउंड पे अपने अकोमोडेशन का रेंट अंडर सेक्शन 8 आरसीए के सामने एप्लीकेशन देकर उसको इंक्रीज करवा ले, और इंक्रीज किससे होगा? स्टैंडर्ड रेंट से। जो लॉफुल इंक्रीज है ये इंक्रीज स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना मैक्सिमम 10% लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन प्री में रेगुलर बनता है कि मैक्सिमम कितना परसेंट एनुअल इंक्रीज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 8 में आरसीए के द्वारा रेंट, तो उसका आंसर है 10% एनुअल रेंट मैक्सिमम इतना बढ़ाया जा सकता है। तो ये वो ग्राउंड्स थे जिनके आधार पर आपका किराया बढ़ सकता है, इंप्रूवमेंट, एडिशनल, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, डेकोरेशन, टेनेंटेबल रिपेयर में आपका किराया बढ़ने का कोई ग्राउंड नहीं है, नहीं बढ़ाया जाएगा। आइए हम सेक्शन 8 का क्लॉज 2 देखते हैं। सेक्शन 8 के क्लॉज 1 में हमने देखा कि लैंडलॉर्ड रिटर्न अप्रूवल के साथ, रिटर्न परमिशन के साथ, या तो आरसीए की या टेनेंट की, इन तीनों चीज में कुछ भी खर्चा हुआ है तो इंक्रीज इन रेंट अपना कर सकता है। इसके साथ कुछ और भी चार्जेस होते हैं जो टेनेंट से लिए जा सकते हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि इसका कंजम्पशन टेनेंट करता है इसलिए इसकी देने की जवाबदारी भी
तीन एंड की होगी, तो सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अगर लैंडलॉर्ड दे रहा है तो टेनेंट से उसको वसूल किया जा सकता। सेक्शन 8 के सब सेक्शन 2 में अदर लोकल अथॉरिटी चार्जेस भी है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का जो सेस लगता है, ये वो चार्जेस होते हैं जो जनरली टेनेंट के द्वारा पेबल होते हैं। इसलिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ लोकल अथॉरिटी का भी अगर कोई चार्ज लगता है तो वो भी टेनेंट को देना होगा, और टेनेंट को लायबिलिटी ऑफ टैक्स अंडर एनी एग्रीमेंट। चूंकि वैसे तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, लैंड और बिल्डिंग पे जो टैक्स होता है ये लैंडलॉर्ड को देना होता है, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट के साथ बोला था टेनेंट ने शुरू में कि ये दोनों टैक्स भी मैं दूंगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी। अब इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट में होना चाहिए। इन दोनों के लिए जरूरी क्या है कि लैंडलॉर्ड इस अमाउंट को पे कर रहा है तब वो बढ़ेगा, और इसके लिए जरूरी क्या था कि आपको परमिशन ऑफ आरसी और टेनेंट चाहिए। तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड रेंट के साथ में कुछ एडिशनल और चीजें जुड़ रही है जिससे रेंट अपने आप उसका बढ़ रहा है।